दोस्तों आज हम फिर आपको प्लांट इंट्रोडक्शन के श्रेणी में क्रम में आज आपको हम अवगत करा रहे हैं, परिचित करवा रहे हैं एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का अर्थ हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, शायद आपने देखा होगा। तो जिम्नोस्पर्म का है क्या कि इसमें नेकेड सीड होती है, नेकेड ओव्यूल होता है। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे आपको एक नया वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, साइकस का प्लांट्स है, जिसमें आप देख पा रहे हैं साइकस की स्पीसीज है साइकस रिवलूटा। और ये साइकस का जो आप देख रहे हैं पौधा, इसमें एक ये आप देख पा रहे हैं ये लीफ है, पूरी पूरी लीफ है। और इस लीफ में बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये, इसको हम रैकिस कहते हैं, ये रैकिस हो गया। और इसके अलावा ये हमारा जो है वो लीफलेट है, लीफलेट और रैकिस, ये तुम्हारा लीफ हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है एक क्राउन की तरह से स्ट्रक्चर है। ये क्राउन का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है आपका, फ्लावर्स है। ये जिम्नोस्पर्म का फ्लावर्स कह सकते हो, या कह सकते हो इसका फीमेल कोन है। चूँकि जिम्नोस्पर्म में जो साइकस प्लांट्स है ये डायोसियस पौधा होता है, डायोसियस प्लांट होता है, जिसको हम एकलिंगी कहते हैं। एकलिंगी प्लांट्स जो होते हैं उसमें एक ही लिंग, यानी कि साइकस की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फीमेल प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फीमेल प्लांट्स में आपने जो दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, इसको हम फीमेल कोन कहते हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर कह सकते हैं या फीमेल कोन कह सकते हैं। और इस फीमेल में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें दो रीजन हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, इसमें ये, इसको हम मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। इसको हम फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, यानी मेगा स्पोरिंजिया जिसमें हो, या मेगा स्पोर जिसमें जो बियर करता हो, उसको मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका, मेगा स्पोरोफिल्स है। मेगा स्पोरोफिल्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दो रीजन हैं, एक जो इसमें स्ट्राइल है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसके नीचे वाले पोर्शंस में देख रहे हो कि ये जो है मटर के दाने की तरह कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ये आपका ओव्यूल है, यानी कि इसमें जो साइकस का पौधा देख रहे हैं, साइकस का जो मेगा स्पोरोफिल्स देख रहे हैं, इसमें ये ओव्यूल ये लगे हुए हैं। ये इनकी संख्या जो है वो एक स्पोरोफिल्स में 2, 4 अथवा 6 तक हो सकती है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, या कंडीशंस में वेरी करती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, हमें छोटा छोटा दिख रहा है, ये ओव्यूल दिख रहा है। और ओव्यूल जो आपका नेकेड है, नेकेड मतलब किसी लेयर में नहीं है, किसी जैकेट में नहीं है। और ये जो जितने भी अभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सब में सबसे जो लार्जेस्ट ओव्यूल का श्रेणी मिला है, लार्जेस्ट ओव्यूल की बात करते हैं तो आपको जिम्नोस्पर्म के साइकस में ही लार्जेस्ट ओव्यूल की हम बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, मेगा स्पोरोफिल्स है। मेगा स्पोरोफिल्स में रोजेट फॉर्म जो है, ये नीचे देख पा रहे हैं, ये रोजेट फॉर्म बना हुआ है, रोजेट फॉर्म। और ऊपर जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको स्ट्राइल है। और यहाँ पे जो है ये आपका बहुत सुनहरा, अभी ये और यंग स्टेज में है, अभी ये और बढ़ेगा और बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो हमको और बड़े से इसका ओव्यूल दिखाई देगा। तो ये तो रही बात इसके फीमेल कोन की बारे में, या मेगा स्पोरोफिल्स के बारे में। अब हम आप चलते हैं, आपको ले चलते हैं, बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का ही जो है, यानी साइकस का ही जो है, वो मेल कोन की बात करेंगे, मेल प्लांट्स की बात करेंगे। तो मेल पौधा, मेल फ्लावर कैसे दिखाई देता है, अभी तो हम फीमेल वाले को देख लिए, अब मेल की हम चर्चा करते हैं, मेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये मेल कोन कहलाता है। आप देख रहे हैं ये मेल कोन है, और मेल कोन में क्या देख पा रहे हैं कि ये अरेंज है, इसमें ढेर सारा जो है ये लीफ है जो इसको कोन को प्रोटेक्ट कर रही है, कोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और छोटे छोटे जो है ये आपके क्या हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं, यानी कि इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन बनेगा इसमें। तो ये क्या होगा कि ये ऐसे खुलेगा, और अभी जब खुलेगा तो इस साइड में, इसके वेंट्रल साइड में हमको क्या दिखाई देगा कि इसके वेंट्रल साइड में हमको इसमें स्पोर दिखाई देंगे, जो कि माइक्रोस्पोर होंगे। तो ये फीमेल वाला हम पहले देख चुके थे, और हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका मेल कोन है। मेल कोन किसका, साइकस का है। और ये जो साइकस की प्लांट्स है, ये साइकस का ही पौधा है जिसका मेल कोन आप देख पा रहे हैं, और इसमें भी सेम चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें ये और है कि जो आप कोन देख पा रहे हो, ये दिख रहा है, दिखने में आपको लग रहा है कि ये जो प्लांट्स है, इस प्लांट के बीच में
सीधा सीधा बीच में क्या आया, मील कोन आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कोन लगा हुआ है ये हल्का सा क्या है, इस एक्सेस को छोड़ करके निकला हुआ है, टिप पे नहीं है, एक्सेस के टिप पे नहीं है, यानी कि इसके प्लांट के ट्रंक पर नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्ट है, थोड़ा सा डाई हट करके है, और इसको हम बोलते हैं कोन डोम्स कहते हैं। कोन डोम्स मतलब कि हम इसमें ये जानने की प्रयास करते हैं कि हम जो ये पौधा देख रहे हैं यानी कि मेल है साइकस का, मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट को हम ये देखें कि इसमें कितनी बार इसमें ये कोन अब तक निकल चुके हैं। अगर इस पौधे में हम बात करें तो उसको जानने के लिए क्या करना होगा, हमको इसका LS लेना पड़ेगा, इस स्टेम का हमको क्या लेना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना पड़ेगा। और लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन लेंगे तो हमको जहाँ से ये कोन निकलता है उस कोन निकलने का जब एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमको दिखेगा एक जो है वो एक डोम कोन डोम लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर निकलेगा कुछ, ठीक है। तो वो हम देख पाएंगे, उसके अनुसार हम यहाँ पे जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये क्या है, कितनी बार इसमें अभी तक कोन निकल चुका है। तो ये तो जानकारी थी आपको जिम्नोस्पर्म के साइकस के प्लांट्स के बारे में, साइकस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, खासकर मेल और फीमेल कोन के बारे में, मेगा स्पोर स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरिंजिया या माइक्रो स्पोरोफिल्स के बारे में ये जानकारी आपको दी गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इसको ज़रूर अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, और इसके संबंधित जो भी आप समझ पा रहे हो वो कमेंट ज़रूर हमको करें। थैंक यू।